नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूँ रीना। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सप्ताह का सबसे शुभ दिन माना गया है मंगलवार को। कहते हैं इस दिन विघ्न हर्ता बजरंग बली अपने श्रद्धालुओं के संकट हरने के लिए खुद पृथ्वी पर उतरते हैं। उन्हें ऊर्जा और शक्ति का कारक माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक मंगलवार को 5 विशेष उपाय करने से भक्तों के सारे संकट दूर हो जाते हैं। अगर आप भी आर्थिक तंगी, बीमारी, घरेलू कलेश और दूसरी परेशानियों से जूझ रहे हैं तो मंगलवार को इन उपायों को जरूर आजमा लें। आपके सारे बिगड़े हुए काम सुधरने शुरू हो जाएंगे। आइए जानते हैं कौन से हैं वो उपाय। अगर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो आपके खर्चों के मुकाबले आपकी आमदनी नहीं बढ़ पा रही है तो आप मंगलवार की शाम को हनुमान जी को गुलाब की माला और केवड़े का इत्र अर्पित करें। ऐसा करने से आमदनी के नए नए स्रोत खुलने लगेंगे। अगर आपका बच्चा बहुत रोता है या फिर सोते हुए डर जाता है तो मंगलवार के दिन नीलकंठ का पंख लेकर उसके पलंग पर लगा दे। ऐसा करने से बच्चे को अचानक डर जाना और रोना बंद हो जाएगा और वह सुकून की नींद सो जाएगा। अगर आपकी मनोकामना पूरा करने के लिए आप मंगलवार के दिन सुबह मंदिर में जाकर हनुमान जी के माथे से सिंदूर लेकर भगवान श्री राम और माता सीता के चरणों में लगा दे तो कहते हैं कि यह उपाय बजरंग बली को बहुत ही ज्यादा खुशी प्रदान करता है और वह अपने भक्तों पर जमकर कृपा करते हैं। अटके हुए कामों को पूरा करने के लिए आप मंगलवार के दिन सरसों के तेल, जौ के आटे और काले तिल की रोटी बना लें। इसके बाद उस पर गुड़ और तेल छुपड़ कर भैंसे को खिला दें। ऐसा करने से आपके घर और परिजनों पर चढ़ी बुरी नजर उतर जाती है। घर में शांति और सुख भाव बनाए रखने के लिए आप मंगलवार की शाम को हनुमान मंदिर में जाकर 2 दिए जलाएं। इनमें से 1 देसी घी का और दूसरा सरसों के तेल का होना चाहिए। इसके बाद वहीं बैठकर हनुमान चालीसा और श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। आप पर हमेशा हनुमान जी की कृपा बरसती रहेगी। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।